हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डीबी वायरिंग का दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में देखा था कि डीबी के अंदर आप पैनल से लेकर डीबी तक का वायरिंग कैसे होती है, न्यूट्रल कैसे आता है, फेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर अर्थिंग कैसे मूव ऑन होती है फ्राइट फॉर्म में जीआई के वायर के थ्रू, फिर उसके बाद सिंगल फेज डीबी के अंदर जाके वो कैसे लूपिन होता है, कैसे उसका अर्थिंग कैसे फ्लो होता है, फिर सीलिंग रोज के थ्रू इक्विपमेंट कैसे अर्थिंग मिलता है सिंगल फेज को, और थ्री फेज का भी देखे थे हमने। उसी का एक पार्ट और डिटेल में लिखे क्या हमें, वो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के। और डिटेल में जाकर जाएंगे हम, तो ये ओवरऑल वायरिंग हो गई वायरिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बहुत टाइप के होते हैं, उसमें देख के आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कौन सी डीबी कहाँ लगानी है। हमको लोड का न कि लोड देखते हुए हमको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये डीबी लगानी है, या थ्री फेज डीबी लगानी है, या वीटीपीएन लगाना है, एसपीएन लगाना है। आप ये फोटो में देख सकते हैं कितने टाइप ऑफ डीबी आती है। ये सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है? तो वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। तो के कैजुअल डेफिनेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता क्या है? बेसिकली डीबी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। डीबी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, बेसिकली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। इट्स अ सेट ऑफ एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी, आरसीबीओ, जो भी हम लगाते हैं इक्विपमेंट हमारे हिसाब से, ठीक है, अलग अलग लोड के हिसाब से देखते हुए एम्पियर। डीबी को दो पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है? एक होता है यूसेज के हिसाब से और एक होता है सप्लाई के हिसाब से, ठीक है? और डीबी मेजर दो टाइप के आते हैं, सिंगल लोड डीबी, डबल लोड डीबी, ठीक है? ये सिंगल लोड डीबी और डबल लोड, देखिए ये एक डोर हो गया, ये एक डोर हो गया, ठीक है? वन टू, ये डबल लोड डीबी हो गया, ठीक है? दोनों ही अप्रूव्ड है आईएसी के हिसाब से। अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूसेज डीबी कैसे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले होता है लैटिन डीबी। ये जनरल है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, बट ए जनरल इंडस्ट्रीज के अंदर जनरली ऐसे ही मिलता है। इट कैन वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पर बेसिकली 95% आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक्सेप्ट कोई यूनिक किसी का एप्लीकेशन है, वो अलग ही उनका अलग ही इक्विपमेंट हो कि यहाँ जगह काम करते हैं, वो लाइट चाहिए नहीं, तो फिर तक अलग हो सकता है, पर 95% ऐसे ही कवर होता है। एक होता है लाइटिंग डीबी, जहाँ पे पूरे लाइट कंट्रोल होते हैं, उसके पूरा आते हैं लाइटिंग कंट्रोल के लिए। तो बेसिकली छोटे होते हैं यूनिट्स, उसके अंदर 6 एम्पियर, 10 एम्पियर की एमसी मिलेंगे आपको। फिर आता है पावर डीबी। पावर डीबी ऐसे मशीन्स होते हैं आसपास में, छोटे मोटे मशीन्स को देने के लिए। छोटे मशीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े मशीन जो होते हैं वो डायरेक्टली पैनल से आते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे मशीन हॉइस्ट हो गया, तो आपका छोटा फिल्ट्रेशन मशीन हो गया, कोई आपको बेल्ट घुमाना है आपको, या आपको पानी का वहां पे कुछ लगाए होंगे आपने कलेक्शन टैंक, छोटे मोटे के लिए वो पीडीबी बोलते हैं उसको हम। फिर होता है यूपीएस डीबी, आपको समझ में आ गया होगा, जो यूपीएस का पावर है वो जनरली बाकी डीबी में नहीं घुसाते हैं, सेफ्टी कंसर्न भी होता है कि यूपीएस पावर हमेशा रहता है। पावर जाने के बाद ये दो कट ऑफ हो जाएंगे, पर यूपीएस पावर अवेलेबल रहेगा। यूपीएस का पावर इसमें फीड कर दिया अगर आपने, तो आपको चांसेस रहेंगे शॉर्ट सर्किट होने के, रिवर्स पावर जाने के, या आपके कुछ भी हजार्ड पैदा होने के। तो यूपीएस डीबी हमेशा अलग रहता है, ठीक है? फिर अकॉर्डिंग टू सप्लाई देखेंगे तो बेसिकली दो पार्ट में सप्लाई बटा, थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम, ये दो ही पार्ट में इंडिया बटा हुआ है बेसिकली सिस्टम। हम उसी उत्ती को आगे पढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि आगे काम आएंगे। एसपी जनरली, अभी आप इंडस्ट्री में जाओगे, किसी आप मार्केट वाले से बात करोगे, कोई कंसल्टेंट किससे बात करो, क्लाइंट, वो इसी फॉर्म में बात करेगा आपसे। आपको सिंगल पोल की एमसीबी ऐसे बात नहीं कहती, एसपी कितने की लगी है, तो सिंगल पोल, ठीक है? सिंगल पोल में बोलेंगे तो एक पॉइंट ऑफ आइसोलेशन कॉन्टेक्ट रहता है, जिसमें एक फेज लगता है, यहाँ पे आके एक फेज लगता है, ठीक है? और ये इनकमिंग या आउटगोइंग, ठीक है? तो इसमें कुछ भी फॉल्ट हुआ तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है, तो अपने एक फेज जो जा रहा है वो इंटरप्ट हो गया, ठीक है? स्विचिंग पोर्ट इसी से होता है, ठीक है? इस पर न्यूट्रल नहीं है, सिंगल पोल बोला मैंने, ठीक है? इसे न्यूट्रल नहीं है। अब भी एक आता है सिंगल पोल विथ न्यूट्रल, ठीक है? एक भी हटा देता हूं उसको।
एक होता है सिंगल पोल विथ न्यूट्रल, तो इसमें देखिए इसमें न्यूट्रल आपका इंटरप्ट होता है ना कि ट्रिप करेगा, ठीक है। आपका ये फेस के लिए हो गया, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो ये आपका इंटरप्ट, यहाँ की यहाँ का पास अगर देखोगे आप इसको, तो ये जो ट्रिपिंग है ना इसमें आएगी, ट्रिपिंग मैकेनिज्म इसके अंदर लगी है बस, और ये बस उसके साथ लीवर अटैच है ताकि न्यूट्रल इंटरप्ट हो जाए, न्यूट्रल में आपको ट्रिपिंग नहीं देना है, अब आप रिटर्न पाथ रोकना है, सब बस सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। किसी किसी रहता है कि मेरे को न्यूट्रल में ट्रिपिंग तो नहीं आती है, न्यूट्रल में आप इंटरप्ट हो जाना चाहिए न्यूट्रल, ताकि ओपन ना हो या आपको न्यूट्रल मिक्स ना हो, तो एक्सपायरी रीजन हो सकता है, तो एसपीएन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर होता है डीपी, डीपी को बोलते हैं डबल पोल। डबल पोल एज नेम सजेस्ट की दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेंगे, ठीक। अभी क्या, दोनों ही आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, दोनों ही आप ना दोनों ही कंडीशन ट्रिप हो जाएगा, जो भी लगाओगे आप वो ट्रिप करेगा, आइसोलेशन मतलब आइसोलेटर काम नहीं करेगा, ये ब्रेकर है काम करेगा, तो स्विचिंग प्रोटेक्शन दोनों फेज पे अवेलेबल है, ठीक है। इस पे एक पे फेज न्यूट्रल लगा सकते हो, दोनों जगह फेज भी लगा सकते हो, डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, टू फेज सिस्टम अगर है आपका तो, ठीक है। बेसिकली फेज न्यूट्रल लगाते हैं जहाँ पे आपको न्यूट्रल से भी ट्रिप करना होता है। फिर आते हैं थ्री पोल, थ्री फेज सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला आता है थ्री पोल, थ्री पोल एट नेम सजेस्ट, इसको तीन पॉइंट आइसोलेशन कॉन्टेक्ट रहेंगे, जैसे कि ये एक फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, तीनों फेज इसके थ्रू चले गए, ये आउटगोइंग हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी फेज में प्रॉब्लम हो तो ये ट्रिप हो जाता है, तीनों फेज इंटरप्ट हो जाते हैं, तो स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन तीनों फेज में अवेलेबल है, ठीक है। सेम उसको देखा जाए एसपीएन, थ्री पी एन, थ्री पी एन को बोलेंगे थ्री फेज विद न्यूट्रल, ठीक। इसमें भी सेम है एज सिंगल पोल जैसे देखे थे हमने, तीन फेज तो है, तीन फेज यहाँ पे तीन फेज न्यूट्रल नहीं था, या तीन फेज न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल इज ओनली फॉर आइसोलेटिंग, न्यूट्रल इंटरप्ट होता है बस, ना कि ट्रिपिंग मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग में समझ में आ जाता होगा, ये तीनों में ट्रिपिंग है, ये सिर्फ आइसोलेटिंग पॉइंट है, मतलब ये न्यूट्रल सिर्फ इंटरप्ट हो जाएंगे अगर आपको इंटरप्ट करना है तो, ठीक है। इट्स नॉट अ ट्रिपिंग, ट्रिपिंग वो न्यूट्रल में थ्रू ट्रिप के कारण से कभी ट्रिप नहीं होने वाला न्यूट्रल के, न्यूट्रल में, ठीक है। अब आते हैं फोर पोल के ऊपर, जैसे सिंगल फेज में था वैसे ही फोर पोल, इसमें तीनों फेज रहेंगे न्यूट्रल के साथ रहेगा, ये फेज, ये फेज, ये फेज, ये न्यूट्रल, उसी फेज में न्यूट्रल में आपको अगर फॉल्ट आया तो ये इंटरप्ट करेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको ये हफसल, यहाँ इंपॉर्टेंट देखना, ये बताता है कि इसमें इंटरप्ट होगा, इसमें इंटरप्ट, इसमें इंटरप्ट, चारों फेज में, चारों पोल में इंटरप्ट होगा, होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं डीबी के रेंज के ऊपर। अभी हम देखे हैं ओपन डोर, सिंगल डोर, डबल डोर, यूसेज के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से, अभी हम देखते हैं जो बेसिकली इस तरीके से डीबी का रेंज रहता है। कभी भी डीबी खरीदोगे आप या डीबी आपको एसएलडी में मेंशन मिलेंगी तो आपको इसी तरीके से मिलेंगी, फोर वे, सिक्स वे, एट वे, 12 वे, 16 वे, ठीक है। अभी वे का क्या फंडा है ये हम समझेंगे, वे इन केस ऑफ सिंगल फेज जितने नंबर ऑफ वे उतने नंबर ऑफ एमसीबी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वे उतने नंबर ऑफ एमसीबी, यहां मैंने उसको समझाने की कोशिश की है एक्स के फॉर्म में, एक्स वे एक्स नंबर ऑफ एमसीबी, यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर लो यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी। हाँ अब इसमें 5 वे, 7 वे, 9 वे से ऑड फिगर नहीं आते इसके अंदर, ये स्टैंडर्ड है, 12 वे तक तो मिल ही जाता है, 16 वे शायद आपको स्पेशल ऑर्डर करना पड़े चीजों को लेकर, वो जनरली 16 वे सिंगल फेज में नहीं यूज करते, ठीक। अभी देखिए ये है 6 वे डीबी, जैसे मैंने कहा 6 वे मतलब 6 वे मतलब 6 नंबर ऑफ एमसीबी, इसको और अच्छे समझ सकते हैं, एसपीएन 6 वे कोई बोल रहा है तो 6 × 1 मतलब सिंगल फेज है तो एक फेज मतलब 6 नंबर ऑफ एमसीबी, 8 वे, 8 वे × सिंगल फेज एसपीएन का 8 वे, ठीक है। आपको बोला जाएगा हमेशा एसपीएन में 8 वे की एमसीबी बॉक्स, डीबी बॉक्स दे, मतलब समझ जाओगे कि 8 वे × सिंगल फेज एसपीएन बोल रहे तो 8 एमसीबी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतनी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज पॉज करके इसको पढ़िए क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पैरामीटर बनता है जब डीबी सिलेक्शन के वक्त, ठीक है। आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए क्या ऑर्डर करने वाले हो, ठीक है।
इसमें गलती हुई तो पूरा डिजाइनिंग गलत हो जाता है आपका डीबी का पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ फोर वे वाला लिखा है, फोर वे एसपीएन, एसपीएन स्पेशली बोल रहा हूँ, फोर वे सिर्फ नहीं बोलना आपको, फोर वे थ्री फेज में भी आने वाले हैं अभी आपको। जो फोर वे एसपीएन मतलब फोर इंटू एसपीएन मतलब सिंगल फेज फोर नंबर ऑफ एमसीबी, कितने हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, ठीक है। ये 16 वे होगी, 16 वे एसपीएन सिंगल, 16 इंटू एक सिंगल फेज का एक फेज तो 16 नंबर की एमसीबी। ये 12 वे की डीबी, तो 12 इंटू 1 सिंगल फेज का 1 इंटू 12 नंबर इक्वल टू 12 नंबर ऑफ एमसीबी, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें सिंगल डोर डबल डोर रहते हैं, जैसे आपको आपको रिपीट करिए, सिंगल डोर हो गया, ये डबल डोर हो गया, ठीक। अभी सेम हम समझते हैं थ्री फेज को लेके। थ्री फेज भी बोलते हैं, टीपीएन बोलते हैं बेसिकली, थ्री फेज न्यूट्रल, वीटीपीएन वर्टिकल थ्री फेज विद न्यूट्रल। ये बस डीपी का तरीका है, वर्टिकल मतलब लंबाई में ज्यादा रहता है, थ्री फेज न्यूट्रल मतलब हॉरिजॉन्टल थोड़ा ज्यादा रहता है चीजों को लेकर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेस रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डर आप जब प्लेस करोगे तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर जब आप लोकेशन के हिसाब से कि आपके क्या है, कॉलम मेट बिठाना है या जगह कैसे कंस्ट्रेंट है, हाइट का कंस्ट्रेंट है कि विड्थ का कंस्ट्रेंट है। इसमें भी सेम है रेंज, 8 वे 6 वे 4 वे 6 वे 8 वे 12 वे 16 वे। इसमें पर एक कैच ये है कि एसपीएन बहुत आसान था, एक्स ये जितने वे है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, क्योंकि सिंगल फेज का है। थ्री फेज में ऐसा नहीं है, एक्स इतने जितने वे है उतने आउटगोइंग आपको मिलेंगे हर डीबी में, ठीक है। एग्जांपल नीचे लिखा मैंने, एक्स वे इक्वल टू एक्स आउटगोइंग नंबर ऑफ आउटगोइंग ऑन ईच फेज। ये देखिए 6 वे की डीबी है, तभी अपना क्या है, टीपीएन है, TPN में थ्री फेज भी न्यूट्रल, थ्री फेज थ्री थ्री और 6 वे 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18 नंबर ऑफ आउटगोइंग फीडर, ठीक है, दिख रहा होगा 6 6 6 6 6, ठीक है। सिमिलरली आउटगोइंग फीडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनकमिंग का अलग स्लॉट रहता है। अब 8 वे पे आते हैं, 8 वे का मतलब क्या, TPN में 8 वे × 3 आप जब प्लानिंग करोगे तो उस तरीके से, ठीक है। इतने सारे आपके सिंगल फेज के छोटे छोटे एक 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 फेज के लिए, अब हाँ 24 नंबर आप ये समझ गया होगा, 24 नंबर ऑफ एमसीबी है, मतलब एक फेज को एक ही जुआ, मतलब तीन फेज मिला के फिर उसको आठ, मतलब आठ फेज जा सकते, थ्री फेज के आठ जा सकते उसके अंदर, ठीक है। सिंगल फेज के 24 जा सकते, ऐसा रहता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे दिख रहा होंगे 1 2 3 जैसे की है, अब इसमें से एक तीन एमसी बिठा दोगे तो आपको एक थ्री पोल की एमसी बिठा पाओगे, या थ्री पोल की एमसी बिठा पाओगे, यहाँ पे एक थ्री पोल की एमसी भी आएगी। तो कितना आड़ू हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आड़ू फिटर हो गए अपने। ये इनकमिंग, कहीं तो इनकमिंग स्टार्ट देना पड़ेंगे, इनकमिंग का है, इतने नंबर आड़ू फिटर थ्री फेज में आ गए। इसी को सिंगल फेज में बांट दो अगर आप, तो यहाँ सिंगल सिंगल निकाल लो आप, ठीक है। ये बहुत खेलने को मौका है इसके अंदर, इसलिए बोलो थोड़ा टाइम दीजिए इसको, आप एक एक करके उतार उतार समझिए, आपके पास पर डीबी होंगे जाके देखिए, ये कैटलॉग पढ़िए, आपको मिल जाएगा। कोई डाउट होता आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते, कभी भी फोटोग्राफ के साथ मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये वही स्लाइड है जैसे मैंने आपको ऊपर ब्रीफ कर दिया है, इन थोड़ा और इसको हमने इंग्लिश फॉर्म में लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको थोड़ा याद रखने में आसानी हो। जैसे एग्जांपल 4 वे टीपीएन डीबी बोल रहा है 12 नंबर ऑफ आउटगोइंग, क्यों, 4 × 3 टीपीएन है ना, थ्री फेज न्यूट्रल 3, 6 वे टीपीएन 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18। इसको अलग फॉर्म में इसलिए लिखा मैंने, 6 वे टीपीएन 6 outgoing MCB per phase, ठीक है। per phase मतलब क्या हो गया कि 3 phase, R phase पूरी में 3 MCB, Y phase में 2, B phase में 2, ठीक है। मतलब अपने 6 इसमें इसका 6 outgoing मेरे 3 phase के, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने काउंट करके देखा था मैंने, 6 outgoing phase, outgoing MCB थ्री फेज के, इसको 3 करोगे तो 18 हो जाएंगे, तो 18 आपके सिंगल फेज वाले हो गए।
सिमिलरली 820 PADB, तो आठ आठ आउट गोइंग एमसीबी पर फेज, मतलब आर के लिए आठ आठ, वाई के लिए आठ, बी के लिए आठ, ठीक है। 83 आपका होता है 24, सेम सिमिलरली सेम हो गया आपका, आर के लिए आठ हो गया, वाई के लिए आठ हो गया, बी के लिए आठ हो गया, तो आठ आठ 16, और 8 × 3 कितना होता है, कूपर को वही आ रहे हैं यार। फिर ये बस फेज वाइज ये सिंगल फेज जोड़ सकते हैं, इसके अंदर भी सिंगल वही बोला जा रहा है, 3 फेज का मिला के 8 MCV, ठीक है। वही बोलो, एक बार ना आपको समझ में आएगा नहीं एकदम से, आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए इसके अंदर, आपको जनरल डेफिनेटली एक दो बार DB जाके देखिए कैसा दिखता है, आपको डाउट वैसे क्लियर हो जाएंगे। कोई अगर तो भी डाउट बचे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। ये उसके स्टैंडर्ड्स है कुछ जो आपको काम आएंगे, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। तो ये वीडियो आज के लिए यहीं तक, होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको मेल नीचे ड्रॉप करके जाता हूँ, ठीक। थैंक यू।